और बड़ी खबर आपको बिहार से सूत्रों के हवाले से बता दें, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अगर जेडीयू बीजेपी के साथ आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी, कहा जा रहा है एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है पाला बदल सकते हैं? सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं, और जो जानकारी मिली है, अहम जानकारी अभी न्यूज 18 इंडिया के पास आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर 28 तारीख को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो सुबह से देखने को मिल रहा है, पिछले एक सप्ताह से देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, वो उसका बल आज सुबह देखने को मिला, उस बातों पर एक बार फिर से बल मिला, जिसमें जब गणतंत्र दिवस का पटना के गांधी मैदान में परेड हो रहा था उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आदमी पहुंचे हुए थे, लेकिन बीच में कुर्सी खाली था। अमूमन ये होता है कि जो बीच की कुर्सी होती है, जो नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी होती है, उसमें डिप्टी सीएम बैठे होते हैं, लेकिन गांधी मैदान में दोनों लोग पहुंचे हुए थे, बिहार के डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों के बीच में बातें नहीं हुई। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो दूरियाँ हैं वो खाई में तब्दील हो चुका है, और अब जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार कल हो सकता है कि इस्तीफा देकर और फिर 28 तारीख को एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं, शपथ ग्रहण शपथ ले सकते हैं। और ये राजभवन की एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसकी भूमिका अहम हो जाएगी कल के वक्त में। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले पटना के कुरकुरी इलाके में पहुँचे थे गांधी मैदान से निकलने के बाद, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनके जो करीबी नेता और मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर वहां पर उनके साथ मंथन होना है कि आगे की सरकार और आगे की रणनीति क्या होगी। एक अहम जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी की बैठक दिल्ली में होनी है, और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी फैसला होना है। तो थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो न्यूज 18 इंडिया को जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ सरकार में आ सकते हैं, और 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है एक बार फिर से। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। 28 जनवरी को वो जो है शपथ ग्रहण समारोह उनका हो सकता है, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। जिस तरीके से चंद्रमोहन बता रहे हैं कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के होंगे, और बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो है वो राजधानी दिल्ली में होनी है। एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस वक्त लल्लन सिंह को हटाकर जो है अध्यक्ष के तौर पर खुद नीतीश कुमार बैठे थे। बिल्कुल, देखिए नाराजगी नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना अब नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। एक तारीख को नीतीश कुमार का लालू परिवार के साथ नववर्ष की बधाई देने नहीं जाना, और उसके बाद राबड़ी देवी का जन्मदिन था उस दिन नहीं जाना। साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि जो दूरी है वो धीरे धीरे खाई में तब्दील हो चुका है, और आज से एक सप्ताह पहले जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास में। वो अंतिम कोशिश लालू परिवार के तरफ से था कि नीतीश कुमार शायद मान जाए, लेकिन नीतीश कुमार ये भी आश्वासन दिए कि नहीं, सरकार जैसी है वो चलती रहेगी। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि अब वो महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, और इस्तीफा देकर 28 तारीख को नई सरकार बीजेपी के साथ गठन कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, खास तौर पर महागठबंधन को लेकर, और उसके बाद अब यह जो सूत्रों से जानकारी मिली है ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर एक बार फिर से बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं, जिसमें बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम एक बार फिर से बन सकते हैं, रेणु देवी जो इससे पहले भी सरकार में डिप्टी सीएम थी वो एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन सकती हैं, और आगे की सरकार और रणनीति क्या होगी बीजेपी की, इसको लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है, और उसमें यह तय होगा, रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि सरकार फिर आगे
कैसे चलना है। चंद्रमोहन, एक बिहार के नेता रामविलास पासवान कहे जाते थे, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ये कहा जाता था कि जहां पर भी सरकार बननी होती थी उन्हें पहले अनुमान हो जाता था, इसलिए वो उस तरफ चले जाते थे। अब अगर नीतीश कुमार की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आखिर किस तरीके से जो है जीत हासिल हुई बिहार के अंदर। क्या 2024 का चुनाव भी जो है वो ध्यान में रखते हुए अपना पाला जो है वो बदल रहे हैं, एक ये भी वजह? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार आज के वक्त में जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसके बाद पूरा देश राममय हो चुका है, और ऐसे में नीतीश कुमार को ये लगता है कि अगर हम महागठबंधन के साथ रहे तो हो सकता है